दोस्तों मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई आइडिया एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और मैं आप लोगों का यहां पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं सबसे पहले आप लोगों को निवेदन करूं कि जो स्क्रीन पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है उसको आप पढ़ के ही आगे वीडियो देखें ताकि आपको कोई मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मैं सीमेंट सेक्टर की एक ऐसी कंपनी लेके आया हूं जो बेहतरीन है और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और आपको मालूम ही है कि मेरे जो रिसर्च होते हैं, मेरे जो चुनाव होते हैं शेयरों के, उसमें डेट एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है जिस पर मैं ध्यान देता हूँ। साथ में पी रेशियो और बुक वैल्यू, इन तीन पैरामीटर पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ ताकि कंपनी किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ गुजरात बेस्ट सीमेंट कंपनी जिसका नाम है सौराष्ट्र सीमेंट। ये मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक विंग है और गुजरात सिद्धि सीमेंट भी इसी ग्रुप की एक अदर कंपनी है। दोस्तों सौराष्ट्र सीमेंट कंपनी जो है उसका बिजनेस गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, वेस्ट कोस्ट इंडिया में मुख्य रूप से इसका व्यवसाय है। तो इन सब चीज पे बात करेंगे, इसके फिनेंशियल्स पे बात करेंगे और इसके इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये इन सभी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक निवेदन कर दूं कि पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और ध्यान से देखें। चूंकि मैं हमेशा कहता हूं पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए सबसे ज्यादा नॉलेज भी आपको ही होना चाहिए। इसलिए आप भी रिसर्च करें, अपने ज्ञान को अपग्रेड करें और आप खुद डिसीजन लीजिए कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। किसी के बहकावे में ना आए और अपने विवेक और अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही निवेश का डिसीजन करें। दोस्तों जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने विचारों से मुझे अवगत जरूर कराइए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ हजारों कंपनियों में से बेहतरीन कंपनी ढूंढ के जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकती है और आपके निवेश के योग्य हो सकती है। दोस्तों अब मैं आपको बात बताऊं कि सौराष्ट्र सीमेंट कंपनी जो है वह लगभग तीन टाइप का सीमेंट बनाती है, पीपीसी, ओपीसी और एक होता है पीएससी। पीपीसी बोलते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी। ओपीसी बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीएससी बोलते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसके साथ क्लिंकर भी बनाती है कंपनी। क्लिंकर जो है वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो सीमेंट कंपनी में, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, ये इसके प्रोडक्ट है। कंपनी जो है जो मैंने अभी बताई कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी एंड वेस्ट कोस्ट इंडिया के अलावे श्रीलंका में एक्सपोर्ट भी करती है। दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, इंटरनेशनल क्वालिटी का सीमेंट कंपनी बनाती है, ये कंपनी का काम हो गया। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज इस कंपनी का जो प्राइस है 39 रुपीज के आसपास है, लेकिन 35 रुपए के आसपास में लगभग 12-4 को मैंने इस पर रिकमेंडेशन दिया था। मैंने उसी समय बताया था कि कंपनी बहुत अच्छा राइज करेगी, लेकिन कंपनी आज 39 रुपया पे है क्योंकि कंपनी में एक न्यूज आई कि एक इसका विंग है प्रमोटर का जिसको मर्जर करना चाहती है प्रमोटर। दोस्तों अब मैं इसके फिनेंशियल्स पे बात करूं, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहता इसलिए मैं इसके फिनेंशियल्स पे बात करूं। जो आज का 39.25 रुपया रेट है उसके हिसाब से सारे फिनेंशियल पैरामीटर पे बात करूं तो इसका मार्केट कैप जो है 272 करोड़ के आसपास है और इसका बुक वैल्यू 63 रुपीज़ के आसपास है। दोस्तों 63 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर 39 रुपये का आज प्राइस देखें तो यहाँ से 50% का ग्रोथ तो ऐसे ही दिखता है। दोस्तों इसकी पी रेशियो की बात करें तो 5.39 पी है। कंपनी जो है पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रही है और उस प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसका रेट
₹60 से ऊपर होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना विचार है। इसका बुक वैल्यू जो है ₹10 है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो ₹57 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है और ₹23 के पास इसका लो है। अगर ₹23 52 वीक लो के हिसाब से बात करें तो लगभग 52 वीक हाई, ये अपने ₹23 के हिसाब से लगभग 100% का ग्रोथ देने की ओर अग्रसर है। दोस्तों कंपनी जो डिविडेंड है, डिविडेंड 3% के आसपास है, कंपनी ₹1 का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। सेल्स ग्रोथ इसका कमजोर है, 5.5% के आसपास इसका सेल्स ग्रोथ है। कंपनी के फिनेंशियल में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंपनी जो है बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और कंपनी कैश रिच कंपनी भी है, इसके पास कैश भी ठीक ठाक है। अगर पूरे फिनेंशियल पिछले फिनेंशियल ईयर की 621 करोड़ का कंपनी ने पूरा सेल्स किया था और उसमें 4.5 करोड़ का लॉस किया था, क्योंकि कंपनी कंपटीशन में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन सस्टेन नहीं कर पाई थी। कंपनी दिसंबर क्वार्टर में ₹152 करोड़ का सेल्स की है और 18.95 करोड़ लगभग ₹19 करोड़ का प्रॉफिट दी है, जो ₹2.73 के EPS के बराबर होता है। अर्थात कंपनी जो है ट्रैक पे आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में ट्रेड होती है, कंपनी NSE में लिस्टेड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, कंपनी सिर्फ BSE में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। आगे बताऊं आपको कंपनी की शेयर होल्डिंग, कंपनी की शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 73.48% के आसपास है, जो बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग है। मैं बताता हूं कि प्रमोटर की होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहती है इसका मतलब कंपनी में प्रमोटर का विश्वास उतना ज़्यादा है और कंपनी अच्छा करने की संभावना कंपनी की रहती है। और अदर्स की होल्डिंग मात्र 0.61% है, इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन FII हो या DII की होल्डिंग अभी नहीं है। दोस्तों कंपनी का जो प्रमोटर का टोटल होल्डिंग है 73%, उसका 37% होल्डिंग जो है लगभग प्लेस किया हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। पब्लिक के पास लगभग 25% के आसपास होल्डिंग है। दोस्तों इन सभी स्थितियों को देख के आप देखिए, कितना भी कोई भी परिस्थिति देश में आए, अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस किसी भी गवर्नमेंट का इंफ्रा पे रहता है, और जब इंफ्रा में बिना सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए यह कंपनी डेट फ्री है, कंटिन्यूअस प्रॉफिट दे रही है। पूरे इस फिनेंशियल ईयर का जो है लगभग ₹9 के आसपास EPS रहना चाहिए और अगले फिनेंशियल ईयर में इसका EPS ₹12 हमारे हिसाब से रहना चाहिए। 12 के हिसाब से अगर 8 के PE पे भी देखें तो ₹96 रेट होता है, लेकिन मेरा कहना है कि 60-70 रुपीज़ का टारगेट इसका इसी साल पूरा हो सकता है, कोरोना क्राइसिस के बावजूद हो सकता है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। दोस्तों इसके साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों को याद दिलाऊं कि मेरे वीडियो का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना करें, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और ज्ञान के लिए बनाया गया है। दोस्तों जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो इसको लाइक जरूर करिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ढूंढने में ऐसे शेयर बहुत मेहनत लगता है, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि मुझे हौसला मिले, जितने व्यूअर मिलेंगे उतने मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और उतना मेहनत से मैं और बनाऊंगा। दोस्तों इसके साथ जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।